अस्सलाम वालेकुम, आई वाज़ फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि बहरिया टाउन कराची में बेशुमार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे बन रहे हैं, और हर बिल्डर की कोशिश है कि वो दूसरों से इस मामले में सबकत ले जाए। और यहाँ पे हमने बहुत से विज़िट्स किए हैं, बहुत सी वीडियोज़ आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि हम बहुत से जो बिल्डर हैं उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट जो आजकल बहुत डिस्कस किया जा रहा है, आज हम उसकी लोकेशन पर खड़े हुए हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम है ड्रेस मॉल। और इसके नाम से ही पता चलता है कि ये अपनी नौइयत का बाकी से जो है मुनफरिद ये प्रोजेक्ट है। इस सिलसिला में आज हम बातचीत करेंगे, हमारे सीनियर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं जनाब इमरान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनिए। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि ड्रेस मॉल जो है इसका, जैसे कि हम 1000 कमर्शियल में खड़े हुए हैं इस वक्त, तो इसके थोड़ा सा मुझे ना सराउंडिंग का पहले व्यूवर्स को बता दें कि इसकी सराउंडिंग में क्या क्या है, अट्रैक्शन क्या है, आप देखें कि मतलब लोगों को पता चल जाए कि इसके सराउंडिंग में ये जो है ये बड़ी जी वैलिड चीज़ होगी, बहुत अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया अवध भाई आपका। अवध भाई, इसमें ये कि सराउंडिंग अगर आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहरिया का दिल है, क्योंकि इसकी बिल्कुल बैक साइड पर आपकी डेंजो आ जाता है, साथ में उसके आपके ये फार्म हाउसेज आ जाते हैं। जी जी जी। इसके अलावा मेरे ख्याल में 2 से 2500 फैमिलीज इस वक्त आपकी ये अपार्टमेंट की यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बिजनेस्ट जो है बिल्कुल यही फैमिलीज के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये सामने इसका प्लाट है, कैमरा मैन अगर दिखा सके, वो डेंजो कमर्शियल का यहाँ पर काम के बिल्कुल साथ काम भी स्टार्ट हुआ है। सही, तो ये इसका प्लाट है ये वाला। अच्छा इमरान भाई, इस ये जो डेंजो कमर्शियल में ये बन रहा है ड्रेस मॉल, ये गालबन कैलिफोर्निया का? जी जी, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का प्रोजेक्ट है, बड़े ऑथेंटिक बिल्डर है, बहरिया के ऑथराइज्ड ये डीलर है। अच्छा सर, इसमें जैसे कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि ड्रेस मॉल, इसमें क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, मतलब सिर्फ ड्रेसिंग के हवाले से है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का। आबद भाई, इसमें आपको ड्रेसिंग के हवाले से मुकम्मल चीज़ मिलेगी, कोई भी इसमें चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चों के हवाले से हो, बुटीक्स हो या कोई ज्वेलरी शॉप हो, कोई भी चीज़ ए टू जी हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आपको शूज़ के बड़े बड़े ब्रांड नज़र आएंगे, यहाँ ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं। जी, मतलब लोकल चीज़ आपको नहीं, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ, आपको कराची जाने की जरूरत नहीं, नहीं हर चीज़। आप ये ना समझे कि आप मुझे सदर जाना पड़ेगा फलां चीज़ लेने के लिए, तो फलां चीज़ लेने के लिए मुझे दूसरी शॉप में जाना पड़ेगा, हर चीज़ जो है वो आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी। अच्छा सर, इसके जो फ्लोर्स प्लान है वो कितने फ्लोर्स हैं इसके, और कौन से फ्लोर में ये ड्रेसिंग का होगा, ये इसमें भी कोई और चीज़ भी ऐड की है सिर्फ ड्रेसिंग ही? नहीं, यहाँ पर इसमें टोटल ड्रेसिंग या शूज़ वगैरह की वैरायटी मिलेगी आपको, और बड़े माइनर से इसमें रखे हुए हैं, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर है इसके। सही, टोटल 5 बन जाते हैं ये वाले, ग्राउंड के अलावा ऊपर 4 फ्लोर मिलेंगे आपको। सही सही। और इसमें सिर्फ यही काम होगा, ड्रेसिंग या शूज़ वगैरह। अच्छा, ग्राउंड प्लस 4 है? 4 इसके, मतलब टोटल 5 फ्लोर बनते हैं ये। 5 फ्लोर। और इसमें साइज़ क्या है, शॉप्स का जो साइज़ है वो कितना है? इसमें मिनिमम तकरीबन 125 या 30 स्क्वायर फीट की शॉप मिल जाती है, और मैक्सिमम 450 स्क्वायर फीट की आपको ना शॉप इसमें अवेलेबल मिलेगी। अच्छा, और सर ये इसकी डाउन पेमेंट कितनी है, और इसकी मतलब जो टोटल जिसका बनता है वो किस स्क्वायर फीट के हिसाब से है, इसकी टोटल जो पेमेंट बनती है वो किस तरह से मतलब मैनेज किया है इन्होंने, कितने साल की इंस्टॉलमेंट है, वो थोड़ा सा ना एक्सप्लेन। जी आवत भाई, आप अक्सर बात करते होते हैं छोटे इन्वेस्टर के वाले। जी जी जी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसकी टोटल मेरे ख्याल में 7 लाख डाउन पेमेंट है बस। अच्छा, 16 से 17 लाख की आपकी शॉप शुरू हो जाती है, और 40-45 लाख तक जाती है शॉप। 7 लाख से डाउन पेमेंट शुरू होती है, और 15 लाख रुपये टोटल डाउन पेमेंट है, ठीक है। और 2 साल का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है, और 6 मंथ बाद आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। सही, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है इसकी, हर 6-6 माह बाद इसकी इंस्टॉलमेंट आती है। सही। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जितने भी लोग छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बजाय इसके जो चाह रहे हैं कि मैं रेजिडेंशियल जो है प्रॉपर्टी उसकी बजाय मैं चला जाऊँ कमर्शियल की तरफ, तो उसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अच्छी है? बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी छोटे इन्वेस्टर के लिए, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। मैं पहले अक्सर बात करता होता हूँ कि
जिसने 15-16 लाख रुपए लगाना है, बहरिया में 15-16 लाख का नाम की प्लॉट आता है जी जी, ना इस वाले से कोई भी चीज आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे ये चीज परचेज कर ले, इसकी रेंटल इनकम भी अच्छी आ जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, 2-3 दिन से हम सुनने में आ रहा है कि कैलिफोर्निया जो है वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स में डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या ड्रेस मॉल में भी डिस्काउंट दिया है? और वो 25% का डिस्काउंट, हर बंदा जो है वो तो बड़ा खुश है कि यार ये 25%। अब इसमें ये है कि 25% डिस्काउंट वो कैश अमाउंट पे है, टोटल शॉप की कैश अमाउंट पे है, और वो 13 जून तक है। सही, मतलब अभी 15 दिन बाकी है। 13 जून तक, मतलब 15 दिन तक जी जी, 14-15 दिन बाकी जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल के जिन लोगों ने, वैसे भी हम अगर कोई चीज़ प्लॉट या कोई भी रेजिडेंशियल चीज़ लेते हैं, अगर हम प्लॉट ही लेते हैं तो उसका वो 10-15 दिन का होता है कि आप उसमें आप 12-15 लेते हैं जी, बिल्कुल। तो उसमें अगर बंदा ये अरेंज करके तो रेजिडेंशियल के पॉइंट उससे उसकी बजाय इसमें आप इन्वेस्ट कर दे, तो मेरे ख्याल बहुत ज़बरदस्त, 25% डिस्काउंट अच्छा खासा डिस्काउंट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा सर, इसमें और क्या आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल अपने क्लाइंट्स जितने हैं उनको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ड्रेस माल की, बिल्कुल लो कॉस्ट स्कीम कह सकते हैं आप। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि इसके लिए जो व्यूवर्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ रब्ता करें? PPL के पास कोई अच्छी अवेलेबिलिटी है? ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब चीज़ बिक नहीं रही वो है आपके पास, आपके पास? क्योंकि PPL एक ऐसा अदारा है, मैंने देखा है कि ये स्टार्ट में ही बहुत अच्छी चीज़ें उठा लेता है और जब बिल्डर जो है उसके रेट हाई हो जाते हैं ये फिर भी लॉन्चिंग प्राइस में चीज़ें दे रहा होता है। तो इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही है जी जी, कि आपके पास अवेलेबिलिटी है हर हर साइज़ की? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। तो इसमें ये है कि शॉप ले लें आप, ऊपर अगर नीचे आपने शोरूम लेना उसमें भी अवेलेबिलिटी मौजूद है हमारे पास। बहुत शुक्रिया इमरान शाह साहब, आपने टाइम दिया। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि ये ड्रेस मॉल की जो शॉप्स हैं ये एक छोटे इन्वेस्टर से लेके 15-16-17 लाख जो इसकी अमाउंट है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है इसकी प्राइस। तो मेरा ख्याल है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स ये चाह रहे हैं कि हम रेजिडेंशियल प्लॉट की बजाय कमर्शियल में जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरे ख्याल है कि इसको अवेल करना चाहिए। और जो कैश पे अगर वो कर लें तो 25% जो डिस्काउंट भी है। तो ये हम चाह रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे एक फैमिली की तरह हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाना चाह रहे थे। अगर मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।